डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की, जो कि क्लास 12th की एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.3 में मेंशनड टॉपिक है और हम आज इस पे फोकस करेंगे एक्सरसाइज 6.3। इस एक्सरसाइज को लेकर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स समझने की कोशिश करेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसे एओडी शॉर्ट में एओडी कहते हैं, का पार्ट है। तो एक टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की बात आए तो टेंजेंट, व्हाट इज अ टेंजेंट? टेंजेंट टू एनी कर्व, मान लीजिए कि ये कोई कर्व है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक कोई कर्व है, या फिर आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एक कोई कर्व है, इसके एक पॉइंट, ये जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा पे लाइन इसको जो टच कर रही है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, इसे हम टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टेंजेंट कहेंगे। टेंजेंट और टेंजेंट कौन से पॉइंट पे कहेंगे इसे? टेंजेंट एट अल्फा बीटा। और इसी पॉइंट पे जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है अल्फा बीटा, इसी पे अगर एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट खींची जाए जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर हो, टेंजेंट और इसके बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो, तो इसे कहते हैं हम नॉर्मल। नॉर्मल टू द कर्व, ये कहलाएगी टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, जो कर्व है ये टेंजेंट टू द कर्व एट अल्फा बीटा, ये कहलाएगा नॉर्मल टू द कर्व एट अल्फा बीटा। अब नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी? तो बेसिकली टेंजेंट इज व्हाट? टेंजेंट इज अ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन अगर आपने देखी होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर कोई लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो अल्फा बीटा से पास हो, लाइन थ्रू अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा, तो वो इक्वेशन हो जाती है वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू स्लोप एम एक्स माइनस अल्फा। ये लास्ट ईयर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट हैविंग स्लोप एम वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू वन पॉइंट एक्स वन वाई वन हैविंग स्लोप एम। इसमें स्लोप क्या चीज है? तो जो स्लोप है, जो लाइन का इंक्लिनेशन है एम, एम इज डी, एम को वैसे क्या मानते हैं आप? वैसे मानते हैं वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। और जब एक्स टू एक्स वन की तरफ अप्रोच करेगा, जब एक्स टू एक्स वन की तरफ अप्रोच करेगा तो वाई टू भी वाई वन की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, लिमिटिंग वैल्यू। और आप इसे ऐसा याद रखें, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, वरना आप अगर थोड़ा साइंस बैकग्राउंड रखते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, और जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जीरो हो जाएगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। तो आप ऐसे याद रखें, कैसे याद रखें कि एम इज़ व्हाट? एम इज़ डी वाई बाय डी एक्स, और हमें एम कौन से पॉइंट पे निकालना है? अल्फा बीटा पे। तो ये यहाँ पर हम पॉइंट लिख देंगे इस पे अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा, तो ये हो जाएगी हमारी स्लोप। तो व्हाट इज स्लोप? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा। अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट अल्फा बीटा पे है तो नॉर्मल क्या है इसको? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस कर्व, इसलिए नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? तो नॉर्मल का स्लोप ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर आएगा m का वैल्यू। तो मैं इसको पहले रब कर देता हूँ, एक कॉन्क्रीट बात लिख देता हूँ कि व्हाट इज m? m क्या चीज़ है? m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा, और उसका वैल्यू होगा, क्या होगा m का वैल्यू? m का वैल्यू होगा डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा।
नॉर्मल का क्या होगा, तो यहाँ m की जगह क्या लिख देंगे आप, ये टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी, y माइनस बीटा डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा x माइनस अल्फा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो तो आप ध्यान से देखिए कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ये टेंजेंट है ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर है। तो आपको एक कंडीशन याद होगी कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, एक का स्लोप m1 है दूसरी का m2 है, तो क्या होता है m1 into m2 is equal to क्या होता है माइनस वन, तो m2 का वैल्यू कितना हो जाता है माइनस वन अपॉन m1। इसीलिए नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा माइनस वन अपॉन m1। m1 कौन है, तो यहाँ m1 को m माना है हमने, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ m1 m2 हमने नहीं नाम दिया, हमने m1 m2 नहीं नाम दिया। और अगर आप देना चाहते हो तो अगर आप इसको m1 कहोगे तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा m2 माइनस वन अपॉन m1, तो माइनस वन अपॉन दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा। तो ये क्या था दोस्तों, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था। तो इसके साथ ही मैं यहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख देता हूँ। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, तो नॉर्मल का इक्वेशन यहाँ होगा। तो मैं फाइनली एक काम और करता हूँ, मैं टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन लिख देता हूँ। टेंजेंट, टेंजेंट है वाई माइनस बीटा डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा, ये टेंजेंट है। और नॉर्मल कौन है, नॉर्मल है y माइनस बीटा माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा, ये टेंजेंट और ये हो गया नॉर्मल। ये टेंजेंट का स्लोप है, कौन टेंजेंट का स्लोप है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये पूरा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये टेंजेंट का स्लोप है और ये नॉर्मल का स्लोप है, और ये दोनों की इक्वेशन से टेंजेंट की भी इक्वेशन आ गई आपके पास, नॉर्मल की भी इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है, बेहद आसान है शुरू के इनिशियल क्वेश्चंस। ये कहते हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी क्लास 12। क्या निकालने को कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। तो हमें dy by dx निकालना है, dy by dx क्या होगा, dy by dx इसका डिफरेंशिएशन 12x क्यूब माइनस 4, और x की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दें हम 4। y के लिए क्या करेंगे, इसमें आपको अल्फा दिया है, अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज 4, किस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल टू 4, मतलब इसके हिसाब से अल्फा इक्वल टू 4 है। बीटा इज व्हाट, तो अगर 4 इसमें डालेंगे तो बीटा भी निकल आएगा, पर हमें बीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल x की जगह 4 रखने से ही हमारा काम हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें बीटा निकालना होगा, तो ये जाएगा 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4, 12 इंटू 4 क्यूब यानी 12 इंटू 16 माइनस 4। अगर 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे लिख दें 10 प्लस 2 इंटू 16, तो 16 10 जा आपका हो जाएगा 160, 16 2 जा 32, तो 160 प्लस 32 192, 192 में से 4 माइनस किया तो आ जाएगा 188, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, दिस इज अ प्योर नंबर। तो ये था दोस्तों इसका आंसर क्वेश्चन नंबर वन का।
जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम इस एक्सरसाइज को टारगेट करेंगे, तो अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, जिसमें आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू एट एक्स इज इक्वल टू टेन। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स के लिए कोशेंट रूल, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर इसका डेरिवेटिव वन, माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस एक्स माइनस वन कॉन्स्टेंट, और डिनोमिनेटर यानी वन माइनस जीरो। और x की जगह क्या डाल दें हम? x की जगह 10 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस टू माइनस 10 माइनस वन अपॉन 10 माइनस टू होल स्क्वायर। ये 10 से ये 10 कैंसिल भी कर सकते हैं आप। ये हो जाएगा माइनस टू प्लस वन मीन्स माइनस वन, 10 माइनस टू एट स्क्वायर मीन्स 64। तो ये इसका आंसर है दोस्तों, माइनस वन अपॉन 64। क्वेश्चन नंबर थ्री भी इसी के जैसा है, जिसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछी है और उसमें x की वैल्यू दी हुई है आपको। तो क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर दोनों ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको x की वैल्यू दी हुई है, फिर भी मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। कर्व की इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एक्स इज इक्वल टू टू में। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे x की जगह क्या डाल देंगे आप? जब 2 डाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू टू का स्क्वायर 12 माइनस वन 11। और क्वेश्चन नंबर फोर भी इसी तरीके का है आपका, सॉरी ये मैंने मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर थ्री था एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन। अब ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और इसमें आपको निकालना है एट x इज इक्वल टू थ्री। तो dy वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू थ्री, तो पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यह आ जाएगा थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस जीरो, और x की जगह 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू थ्री स्क्वायर 27 माइनस थ्री 24। क्वेश्चन नंबर फोर वाज दिस। अब क्वेश्चन नंबर फाइव में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर फाइव दोस्तों स्लोप ऑफ नॉर्मल का है, और इक्वेशंस जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है। फिर से समझ लें, इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में है और क्वेश्चन नॉर्मल का है। तो नॉर्मल का स्लोप आप देख चुके हैं, नॉर्मल का स्लोप ये है। तो नॉर्मल का स्लोप निकालना है, और क्वेश्चन नंबर है आपका फाइव, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। एक्स की जगह दिया है आपको ए कॉस क्यूब थीटा, वाई की जगह दिया है आपको ए साइन क्यूब थीटा, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपको पाई बाय फोर। तो इससे सबसे पहले आप निकाल लें डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉस क्यूब थीटा का थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, डी वाई बाय डी थीटा, डी वाई बाय डी थीटा ये हो जाएगा ए कॉमन साइन क्यूब थीटा का थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल देख लें, इसके लिए भी डी वाई बाय डी एक्स जरूरी है, तो डी वाई बाय डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई बाय डी एक्स इज डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा डिवाइड कर दें, ये डिवाइड कर दिया हमने, तो ये देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, थ्री थ्री कैंसिल, ए ए कैंसिल हो रहा है, एक कॉस कैंसिल हो रहा है, एक साइन कैंसिल हो रहा है, प्लस अपॉन माइनस ये हो गया माइनस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा आपका टेन थीटा। हमें कौन से पॉइंट पे निकालना है? ये हमें निकालना है दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर। तो अब आखिरी में इसमें मैं थीटा की जगह पाई बाय फोर डाल दूंगा, तो थीटा की जगह जब पाई बाय फोर डालेंगे तो माइनस टेन पाई बाय फोर, माइनस टेन पाई बाय फोर हो जाएगा आपका माइनस वन,
विल बी माइनस वन. स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. अल्फा बीटा लिखा है यहाँ पर, यहाँ पैरामेट्रिक है तो यहाँ पर आएगा एट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर. तो ये वैल्यू है माइनस वन अपॉन माइनस वन विच इज व्हाट, दिस इज प्लस वन. तो आपका आंसर है स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्लस वन. अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर इसके बाद आएगा फिफ्थ के बाद, और टाइम मेरे ख्याल से अभी 15 मिनट ही हुए, हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं 15 मिनट में. अब आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा है जैसा कि आपको प्रॉमिस किया है कि सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो यू नीड नॉट टू वरी, आपको बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको दिया है एक्स इज इक्वल टू वन माइनस ए साइन क्यूब थीटा, और वाई इज इक्वल टू दिया है आपको बी कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू दी हुई है आपकी थीटा पाई बाय टू पे. आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो सबसे पहले निकाल लें आप dx बाय डी थीटा, 1 का 0 माइनस ए साइन क्यूब का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा आपका dy बाय डी थीटा 2b कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा. नाउ dy बाय dx, dy बाय dx का वैल्यू होगा डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा. तो डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू है माइनस टू बी साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में आ जाएगा आपके पास माइनस थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा. जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये साइन स्क्वायर है इससे कैंसिल कर दें, कॉस से इसको कॉस को कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टू बी अपॉन थ्री ए साइन थीटा. ये डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है थीटा बराबर पाई बाय टू पे, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू. तो यहाँ पे मैं थीटा की जगह क्या डाल दूँ, पाई बाय टू डाल देता हूँ, थीटा की जगह पाई बाय टू डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू बी अपॉन थ्री ए साइन पाई बाय टू. साइन पाई बाय टू का वैल्यू होता है वन, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस टू बी अपॉन थ्री ए. पर हमें स्लोप ऑफ दोस्तों नॉर्मल निकालना है, मतलब माइनस वन अपॉन दिस, इसको माइनस वन के अपॉन में ले जाना है. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस वन अपॉन डी वाई बाय डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस वन अपॉन माइनस टू बी अपॉन थ्री ए. माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया आपका थ्री ए अपॉन टू बी. तो ये था इसका दोस्तों स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. अब क्वेश्चन नंबर सेवन से थोड़ा चेंज है, फाइंड पॉइंट्स एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्वेश्चन नंबर सेवन से सम चेंज इज देयर, तो लेट अस सी व्हाट इज दैट चेंज. सेवन से आपको निकालना है पॉइंट्स, वो पॉइंट्स निकालना है, फाइंड पॉइंट्स एट विच, पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो आपने देखा होगा कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो उसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप होता है जीरो. और अगर y एक्सिस को पैरेलल है तो उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है. ठीक है, इसका स्लोप कितना है, जीरो. ये देखिए, इसको इसको कहते हैं स्लोप. आप यहाँ चलना चालू करेंगे तो यहाँ पे कोई स्लोप नहीं, आप आराम से चल पाएंगे.
लेकिन अगर आप ऐसा स्लोप हो तो अब आपको दिक्कत आएगी, ऐसा स्लोप हो तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, तब स्लोप इन्फिनिटी हो जाता है। धीरे धीरे स्लोप कैसे बढ़ता है देखिए आप, ऐसे स्लोप बढ़ता है, अभी कोई स्लोप नहीं है, फिर थोड़ा स्लोप होगा, थोड़ा होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, और फिर बहुत ज़्यादा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज़ हैविंग स्लोप जीरो। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले नंबर वन दे दें और dy by dx निकाल लें। dy by dx हो जाएगा 3x square minus 6x minus 9, since line is parallel to x-axis, line is parallel to x-axis, x-axis, therefore its slope is 0, its slope is 0, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप 0 होगा, मतलब that is dy by dx will be 0। और अगर dy by dx 0 हो गया, ध्यान से सुनिए, if dy by dx is 0, therefore dy by dx will be what, 0। तो dy by dx 0 है तो इसका मतलब ये 0 है, 3x square minus 6x minus 9 is equal to 0, 3 can be taken common, x square minus 3x, 2x minus 3 equal to 0, 3 को आप यहाँ भेज सकते हैं, तो आपके पास बचेगा x square minus 2x, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जैसा बना देते हैं, माइनस 3x, ये आप देखिए माइनस 3x प्लस x माइनस 3, और आप फैक्टर बनाएंगे तो इस तरीके से x कॉमन लेंगे, x माइनस 3, फिर x माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक वैल्यू आएगी x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखने से x इज इक्वल टू 3, और दूसरी आएगी x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करने में माइनस 1। तो जब x की दो वैल्यूज हैं तो y की भी दोस्तों दो वैल्यूज आएंगी, और वो निकलेंगी कहाँ से, तो वो निकलेंगी जब इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये रख देता हूँ मैं आपको, पुटिंग इन वन, वन क्या है हमारे पास, तो वन है y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। अब x की जगह 3 डाल दें आप, तो जब 3 डालेंगे तो हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, हाँ कैंसिल कर दीजिए, 9 इंटू 3 प्लस 7 माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 20। तो एक पॉइंट आपका इससे आ गया 3 कॉमा माइनस 20, और जो दूसरा पॉइंट है वो x की जगह जब माइनस 1 आप इसमें रख देंगे, तो x की जगह जब माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 1 क्यूब इज माइनस 1, ये हो जाएगा आपका प्लस 1, प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, ये प्लस 9 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 माइनस 4 7, 5, 5 प्लस 7 12। तो आपका पॉइंट एक तो ये आएगा और दूसरा आपका पॉइंट आएगा माइनस 1, 12। कैलकुलेशन में कोई अगर गड़बड़ हो तो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू माइंड, आप माइंड ना करें। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7, टाइम 23 मिनट्स हुए हैं, काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी रब कर देता हूँ मैं, देखते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों आगे वाले केस में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, हम इसको फिगर से भी समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट ऑन y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। आपको एक कर्व है,
अब इसके फॉर्मल कर्व बनाने के चक्कर में ना रहे आप, तो ऐसे ही कोई जनरल बना ले एक ऐसा आप समझने के हिसाब से। तो आपने मान लीजिए ये कर्व बना दिया, कर्व की इक्वेशन है मान लीजिए y, ये दी हुई है आपको y माइनस ये y इक्वल टू x माइनस टू होल स्क्वायर, इसको नंबर वन दे दें। ये इसकी टेंजेंट है, टेंजेंट पे पॉइंट कौन सा है, कॉन्टेक्ट पॉइंट अल्फा बीटा। तो ये इसकी जो टेंजेंट का स्लोप होगा, इसका स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप होगा dy वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। तो dy वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो पहले dy वाई बाई डी एक्स निकालिए, इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स माइनस टू पावर 1 और अंदर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0। एक्स की जगह अल्फा डालना है, वाई की जगह बीटा डालना है। अब वाई मिसिंग है तो एक्स की जगह डाल देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू अल्फा माइनस 2। ये इसका स्लोप है, पर ये दिया हुआ है वी आर गिवन दैट कि ये जो टेंजेंट है ये किसको पैरेलल है, तो ये एक लाइन को पैरेलल है। वो लाइन कौन सी है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली। तो मान लीजिए कैपिटल ए, ये कैपिटल बी है, ए है 2 0 और बी है आपका 4 4। ये किसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है इस लाइन को। और इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप अगर आप निकालोगे तो इसका स्लोप निकलता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन, लास्ट ईयर आपने देखा होगा स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 और अपॉन में 4 माइनस 2। इसको कैलकुलेट कर लें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। ये दोनों लाइंस आपस में देखें आप, ये दोनों पैरेलल है, दैट इज गिवन। तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा, ये स्लोप इसका, किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो दे शुड बी इक्वेटेड, उनको इक्वेट कर देते हैं हम। तो उनको जब इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास, ऐसा लिख भी सकते हैं, इसको टी नाम दे दे, सिंस टी इज पैरेलल टू ए बी देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कितना है 2 है और ये कितना है 2 इंटू एक्स माइनस 2 है। ये 2 से ये 2 को कैंसिल कर दें, यहाँ 1 आएगा, x की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी ये अल्फा था ना यहाँ पर अल्फा माइनस, तो अल्फा लिख दिया, अल्फा का वैल्यू कितना आएगा आपके पास, अल्फा का वैल्यू 3 आएगा। अब अल्फा का वैल्यू 3 आ गया, अब हमें बीटा की वैल्यू निकालना है। तो अब आप वापस इस कर्व को नोटिस करो, और नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे सिंस अल्फा कॉमा बीटा, देखिए आप अल्फा कॉमा बीटा लाइंग ऑन, किस पे लाए कर रहे हैं, इस पे भी लाए कर रहे हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस टू होल स्क्वायर, और एज अल्फा इज इक्वल टू कितना है आपका 3 है, यहाँ डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो आएगा 1। तो पॉइंट आ गया, देयरफॉर द पॉइंट इज या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी कह सकते हैं, पॉइंट इज अल्फा बीटा विच इज क्या है आपका, विच इज 2,1। तो ये था 2,1, तकरीबन 28 मिनट्स हुए हैं। अब मैं आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बताता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। काफ़ी आसान क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, और अच्छा चैप्टर है, थोड़ा स्कोरिंग भी है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कर्व है और पॉइंट्स फाइंड करना है, पॉइंट्स ऑन, इस पे पॉइंट्स पता लगाने हैं आपको, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 और एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू
एक्स माइनस 11। तो ये आपका कोई कर्व है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप इसके एक्चुअल फिगर में ना रहे, ऐसे ही बना दें आप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। और ये टेंजेंट पे पॉइंट है, टेंजेंट और कर्व पे कॉमन पॉइंट है अल्फा बीटा। इससे आप dy बाई डी एक्स निकाल लें, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11, फिर आप इस पे अल्फा बीटा डाल दें तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा। आप ध्यान से देखें, ये जो है इसका स्लोप आ गया, ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का। टेंजेंट को नाम दे दिया टी, ये क्या चीज आई है आपके पास, स्लोप ऑफ टी, टेंजेंट का स्लोप। पर आपको जो टेंजेंट की इक्वेशन दी है वो ये है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है आपके पास ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी इक्वेशन ऑफ t है, ये t है। तो इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी निकाल सकते हैं। इसका स्लोप आ जाएगा m इज इक्वल टू 1, और dy बाई डी एक्स से भी निकाल सकते हैं। तो इसका स्लोप आएगा, स्लोप कितना आया इसका, स्लोप इसका आया है 1, और इसका स्लोप है ये, x की जगह जब अल्फा रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 11। तो ये 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 11 है और इसका स्लोप है 1, तो देयरफॉर दे कैन बी इक्वेटेड, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 11, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज़ है, तो इक्वल टू 1। आप ये 11 को उधर भेज दीजिए तो ये 12 हो जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 12, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, 3 से डिवाइड करेंगे अल्फा की वैल्यू आएगी आपकी प्लस माइनस 2। अब अल्फा का वैल्यू प्लस 2 है और माइनस 2 है, पर अब हमें बीटा निकालना है, तो आप फिर से गौर करो इस कर्व पे और कर्व पे देखो कि अल्फा बीटा किस किस पे लाए करते हैं। तो अल्फा बीटा इस पे भी लाए करता है और टेंजेंट पे भी लाए करता है, तो आप अल्फा बीटा इस पे भी रख सकते हैं और इस पे भी रख सकते हैं, दोनों में रख सकते हैं। तो सिंस अल्फा बीटा यूजुअली इसमें रखते हैं क्योंकि वो कर्व पे तो लाए करते ही है, कभी टेंजेंट इसके पैरेलल रहती है, कभी इसके परपेंडिकुलर रहती है, तो अल्फा बीटा, लेकिन इस केस में दोनों में रख सकते हैं। अल्फा बीटा लाइंग ऑन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, और एंड इस पे भी लिख सकते हैं, लेकिन अब ज़रूरत नहीं, इससे ही हमारा काम हो जाएगा, और ये सरल इक्वेशन है। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 11। अब जब अल्फा की वैल्यू 2 है, व्हेन अल्फा इज प्लस 2, जब अल्फा की वैल्यू 2 है तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2 माइनस 11 माइनस 9, और जब अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है, तो बीटा की वैल्यू होगी माइनस 2 माइनस 11 माइनस 13। तो आपका पॉइंट आएंगे, दो आएंगे आपके पास पॉइंट्स, पॉइंट्स होंगे आपके, एक तो होगा आपका 2 कॉमा माइनस 9, दूसरा होगा आपका माइनस 2 कॉमा माइनस 13। तो ये दोनों आपका आंसर होगा, 2 कॉमा माइनस 9 और माइनस 2 कॉमा माइनस 13। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 9, जिसमें हमें कांटेक्ट पॉइंट निकालने को कहा था और हमने सक्सेसफुली कांटेक्ट पॉइंट निकाला है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, उसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। अब हमें टेंथ से टेंजेंट की इक्वेशंस पे जाना है, टेंजेंट की इक्वेशन ये है आपकी और नॉर्मल की इक्वेशन ये है। तो टेंथ ऑनवर्ड अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए मेरी बेस्ट विशेस है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि दोस्तों तक बात पहुंचे, ये चीज़ें वो भी समझ सकें जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। और आप खूब प्रैक्टिस करो, खूब आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। मेरी बेस्ट विशेस है, विश यू ऑल द बेस्ट।